हाय फ्रेंड नमस्कार, मैं एनके जी महाराज सागर भाई। चलिए फ्रेंड, सबको इंतजार था कि कैसे गुरुजी, कब गुरुजी हनुमान जी का सिद्धि बताएंगे। और सबसे ज्यादा सरल हनुमान जी का सिद्धि है, क्योंकि हनुमान जी का सिद्धि सब करना चाहता फ्रेंड सब, क्योंकि इसमें डर नाम का चीज नहीं है कि हनुमान जी को बुलाएंगे कोई भूत भी नहीं आएगा, कोई परेशानी भी नहीं होगा। तो फ्रेंड, मैं आपको फिर हर रोज सिद्धि की तरह मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है हनुमान जी का सिद्धि में। ठीक, ओम नमः भगवती अंजनाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमः भगवती अंजनाय महाबलाय स्वाहा। हवन सामग्री है जौ, तिल, घी, मधु, खीर और ईख का रस, जिसको हम लोग बोलते हैं केतारी। इन सबको मिला करके आप रखें, और बेल का लकड़ी, आम का लकड़ी हो, ये सब लकड़ी जमा करें। और आपको इस मंत्र को नवरात्र के एक दिन पहले से शुरू करें और हर रोज इसका हवन करें। आप 1000 मंत्र हर रोज बोले और हवन करें। और ये जो क्रिया है, खेर, पाकड़, पीपल इत्यादि जो लकड़ी है, यही सब लकड़ी इसमें लगेंगे। इसी की लकड़ी पर आप हवन करें, आग लगा करके उसमें उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। वही लाल आपको आसन लेना पड़ेगा, रुद्राक्ष की इसमें माला लेनी पड़ेगी, लेकिन लाल आसन होना चाहिए। वस्त्र आपका जो है वो भी लाल लाल होना चाहिए, लाल चंदन होना चाहिए फ्रेंड। बजरंगबली का पूजा का जितने सामग्री होते हैं, आपको सब पूजा का सामग्री लेकर जाना है वहाँ पे। दूध, दही, लाल फूल इत्यादि, जनेऊ वगैरह जितने हैं, अच्छा सब लेकर के जाए वहाँ पे। और एकांत स्थान हो, बजरंगबली का पुराना मंदिर हो, या कोई एकांत स्थान हो कहीं पे, आप कोई आपको देखे नहीं। वैसे बजरंगबली के मंदिर में बजरंगबली सोते हैं, सब आदमी घर में सोते हैं। आपको अगर कोई ऐसा मंदिर दिखाई पड़े जहाँ पर आदमी का आना जाना रात में नहीं होता है 12 बजे के बाद, तब उस मंदिर में जाकर के आप सिद्ध करें। और यह लास्ट दिन होते होते नवरात्रि के यह सिद्ध हो जाते हैं। और कभी कभी कहते हैं जो ईमानदारी से जपते हैं, श्रद्धा पूर्वक जपते हैं, बजरंगबली बलि उसे साक्षात दर्शन देते हैं। थोड़ा सा कंजूसी करने से उनको हवा के रूप में आके फिर भी उसे वरदान प्राप्त हो जाती है। और जो भी काम आप करते हैं उस काम में बजरंगबली निश्चित रूप से आकर के सहायता करता है और उस काम को जरूर पूरा करता है। तो चलिए, हर रोज की तरह आपको क्या करना है मैं फिर इसमें बता देता हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे। आपको शरीर बंधन करना है, सबसे पहले रास्ता बंधन करना है। यह सब मंत्र आपको याद नहीं है तो पिछले वीडियो में जाइए, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। अखेड़ा बंधन करें, शरीर बंधन करें, मसान में जाकर के ताली बजाने वाला मंत्र है उनको बोले, और इसके बाद वहां पे आसन बंधन करें, सिंहासन बंधन करें, जाल मंत्र बोलें और महाजाल बोलें, और अखेड़ा बंधन करने का मंत्र वहां पर बोलें फ्रेंड। और इसके बाद हनुमान जी का पूजन करें। हनुमान जी का पूजन करने के बाद वो सब लकड़ियां जो है वो सब लकड़ियों को जलाएं उसमें, और इसके बाद आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें, लाल आसन पर बैठें और रुद्राक्ष की माला लेकर के माला की सहायता से आप हवन करें। हवन की सामग्री मैंने आपको बता दिया, खीर लगेगा, चूड़ा लगे, खीर लगेगा उसमें, जौ, तिल, घी लगेगा और ईख का रस लगेंगे उसमें, इत्यादि सामान लेके आप हवन करें फ्रेंड। निश्चित रूप यदि आपके अंदर हनुमान जी की अटूट विश्वास है तो निश्चित रूप से हनुमान जी आपके सामने में दर्शन देंगे और वह आपका प्रत्येक कार्य को इस प्रकार पूरा करेंगे जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा ये काम मेरा पूरा कैसे हो गया। कईयों ने किया है, कई तो कहते हैं कि हनुमान जी के जो है वो विमान आते हैं ऊपर से और फिर जो है सो भक्तों को दर्शन देते हैं। तो विमान की छोड़ दीजिए, अगर आपके पास हनुमान जी ऐसे ही आकर के दर्शन दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। आप ईमानदारी से केवल जपते रहिए, फल की चिंता ना कीजिए, हनुमान जी आपको आकर के दर्शन देंगे। तो मंत्र मैंने आपको बता दिया, कुछ भी हो जाए फ्रेंड प्रयोग बिल्कुल ना छोड़े। ऐसा नहीं कि बजरंगबली के सिद्धि करते हैं तो भूत नहीं आएगा, भूत भी आएंगे, आपको डराएंगे भी, तो डरना नहीं है, अगर डर गए तो मर गए फ्रेंड। इसलिए ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा, तो इस प्रकार का मंत्र है फ्रेंड। आपको बजरंगबली के ऊपर पूर्ण विश्वास रख करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाएं, और यदि ऐसा ना होता है तो आप पूर्व दिशा की ओर
मुख करके भी बैठ सकते हैं, बजरंगबली के सम्मुख थोड़ा सा साइड होकर के, और आप मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त।